हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं ट्रैक्टर मैकेनिक, जो कि सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर व्हेन इट्स एक्सपेंडेड, यानी कि कौन सा शॉक एब्जॉर्बर विस्तारित होने पर उसकी इस क्रिया को व्यक्त करता है। जाउंस, फ्री लेंथ, डिफ्लेक्शन, रिबाउंड। तो करेक्ट आंसर अपना बताइए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रिबाउंड। क्या होता है कि जो रिबाउंड शब्द है शॉक एब्जॉर्बर के विस्तारित होने पर उसकी इस क्रिया को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सेंटर रेटिंग ऑफ डीजल फ्यूल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, यानी कि डीजल ईंधन की सीटेन रेटिंग के क्रम है 25, 45, 70 और 90। तो डीजल ईंधन की सीटेन रेटिंग का जो क्रम है वह है 45, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि द कास्टर एंगल शोन इन द डायग्राम इस, यानी कि कास्टर एंगल आरेख में दिखाया गया है कितना है। तो कास्टर एंगल आपको यहाँ मैं ऑप्शन दे रहा हूँ इस फिगर के साथ। देखिए, कास्टर एंगल पॉजिटिव दिखाया गया है, निगेटिव दिखाया गया है, जीरो कास्टर दिखाया गया है या रिवर्स कास्टर दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो कास्टर एंगल ये दिखाया गया है, देखिए ट्रू वर्टिकल, उसके बाद स्टीयरिंग पिवट के बीच में जो एंगल दिखाया गया है ये क्या है, कास्टर एंगल जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे। देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि द ब्रेक सिस्टम शुड बी डिसमेंटल इफ द रिजर्वायर इज टॉप्ड अप विथ मिनरल आयल इंस्टेड ऑफ ए करेक्ट ब्रेक फ्लूड। दिस एक्शन इज नेसेसरी बिकॉज मिनरल आयल, यानी कि यदि भंडार गृह को सही ब्रेक द्रव के स्थान पर खनिज तेल में भरा जाता है तो ब्रेक प्रणाली को ध्वस्त कर देना चाहिए। यह कार्य जरूरी है क्योंकि खनिज तेल संपीड़ित है, दबाव नहीं होगा, रबड़ सील होनी चाहिए पहुंचाएगा या कम तापमान पर उबलेगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका डैमेज द रबड़ सील, यानी कि रबड़ सील को यह हानि पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कीजिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे तो आपके सीटीआई में जो इंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि सीटीआई के इंट्रेंस एग्जाम में अक्सर जो हिंदी वाले वर्ड हैं गलत लिख के आ जाते हैं, या हिंदी वाले गलत लिख कर आएंगे तो इंग्लिश वाले मान्य होंगे। तो इसलिए आप इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, दिया है कि द व्हीकल राइड विल बी स्मूथ एंड कंफर्टेबल इफ, यानी कि जो वाहन चालक सरल और आरामदायक होगा यदि अनस्प्रिंग वेट इज केप्ट मिनिमम, यानी कि अनस्प्रिंग का वजन न्यूनतम रखा जाए, स्प्रंग वेट केप्ट मिनिमम, यानी कि स्प्रंग का वजन न्यूनतम रखा जाए, व्हीकल वेट इज केप्ट मिनिमम, यानी कि वाहन का वजन न्यूनतम रखा जाए, ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनस्प्रंग वेट केप्ट मिनिमम, यानी कि अनस्प्रंग वजन न्यूनतम रखा जाए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, दिया है कि आयल इन द एक्सल कैस्टिंग सॉरी आयल इन द एक्सल केसिंग इज रिक्वायर्ड टू, एक्सल केसिंग में तेल के लिए आवश्यक है क्या है, पहियों के स्नेहन के लिए, लुब्रिकेंट द रियर एक्सल यानी कि पश्च अक्ष के स्नेहन के लिए, स्मियर आयल ऑन द ब्रेक ड्रम पर स्मियर के लिए, या कूल द व्हील पहियों के शीतलन के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा लुब्रिकेंट द रियर एक्सल यानी कि पश्च अक्ष के स्नेहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है कि द पर्पज ऑफ वाल्व क्लियरेंस इज टू, यानी कि वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य क्या है, वाल्व को विस्तारित होने की अनुमति देना, गाइड में वाल्व को सरकने की अनुमति देना, सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद है, या सुनिश्चित करना कि क्रैंक शाफ्ट घूर्णन के लिए मुक्त है। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद है, इसलिए वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य यही है कि ये सुनिश्चित करता है कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, दिया है
When the silicon fluid heated is viscous plus it, यानी कि जब सिलिकॉन द्रव को एक गाढ़े क्लस में गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है, एक बहुत पतला द्रव बन जाता है, या उबलकर भाप बन जाता है, या स्थूल होकर ठोस पदार्थ बन जाता है, या कठोर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोर हो जाता है, यानी कि स्टिफनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है, द फ्रंट व्हील अलाइनमेंट इज एडजस्टेड बाई अल्टरनेटिंग द, यानी कि जो फ्रंट व्हील अलाइनमेंट है किसको एडजस्ट करके बदला जाता है, अग्र पहिया संरेखा के परिवर्तन में समायोजित होता है, ट्रैक भुजा के कोण में, ट्रैक भुजा की लंबाई में, किंग पिन के बीच की दूरी, या ड्रैग लिंक की स्थिति में। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक ऑफ ट्रैक आर्म, यानी ट्रैक की भुजा की लंबाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर दूसरा था, मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे दिया है, इफ द टायर साइज 8.00x14, द डायमीटर ऑफ टायर विल बी, यहाँ पे यदि पहिए का मापन 8.00x14 है, पहिए का व्यास है, तो यहाँ पहिए का व्यास देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर दिखा दिया था 16, इसलिए ये कैंसिल हो गया था, जबकि यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 की जगह 14 होने चाहिए था, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया कि द टाइप ऑफ गियर शोन इन द डायग्राम, गियर का प्रकार जो आरेख में, सॉरी मैं अभी इसको सही कर दे रहा हूँ, दिया गियर का प्रकार जो आरेख में दर्शाया गया है। तो देखिए टाइप्स ऑफ गियर में वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट से भी इसको देख सकते हैं, आप सीटीआई जो प्लेलिस्ट बनाया है उससे देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ये कौन सा गियर है आपको बताना है, ये स्ट्रेट बेवल गियर है, नहीं करेक्ट आंसर, स्पायरल बेवल गियर है, ये भी नहीं स्पायरल बेवल गियर, वार्म और हाइपोइड, तो ये कौन सा है, हाइपोइड गियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर दिया है, व्हाट कलर इज द अर्थिंग वायर ऑफ द फ्यूल टैंक यूनिट, यानी कि फ्यूल टैंक की जो अर्थिंग की यूनिट है वो किस रंग का होता है, हरा रंग का, ब्लू, ब्लैक, रेड। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ब्लैक होगा, याद रखिएगा ईंधन टंकी की इकाई भू योजन तार का रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13 नंबर दिया है, द टू फायरिंग ऑर्डर यूज ऑन फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन आर, यानी कि 4 संवेगीय सिलेंडर इंजन पर प्रयुक्त 2 अग्निक्रम है, कौन सा क्रम है आपको बताना है। देखिए तुम करेक्ट आंसर आपका जो है 1 2 4 3 1 2 4 3 1 3 4 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 नंबर दिया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सल इन विच द व्हील एंड इज सपोर्टेड बाय बियरिंग इन साइड द एक्सल हाउसिंग कॉर्ड, यानी कि उस अक्ष के प्रकार से क्या कहते हैं जिसमें पहिए का सिरा अक्ष हाउसिंग के अंदर बियरिंग द्वारा आधारित रहता है, हाफ फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग, फुल्ली फ्लोटिंग, क्वार्टर फ्लोटिंग, तो करेक्ट आंसर हाफ फ्लोटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो गया था, कैंसिल कर दिया था क्योंकि गलत आंसर इसने दे दिया था सबको। इफ ए टायर हैज एक्सेसिव रेडियल रन आउट टेक्निक सुन, यानी कि पहिए में अत्यधिक रेडियल रन आउट, तब तकनीशियन को क्या होगा, पहिया बदलना चाहिए या केंद्र पर पहियो को फिर से स्थापित करना चाहिए, या पहिया विरूपण के कारण वजन संतुलित को हटाना चाहिए, या चक्र पर पहिए को फिर से स्थापित करना चाहिए, या पहिया बदल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर वो दिया था पहिए बदल देना चाहिए, जबकि यदि पहिए में अत्यधिक रेडियल रन आउट है तब करेक्ट आंसर यही होगा पहिए बदल देना चाहिए। लेकिन एग्जाम में क्या दिया था, एग्जाम में दिया था चक्र पर पहिए को फिर से स्थापित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है 16 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज क्राउन व्हील एंड पिनियन कार्ड, यानी कि क्राउन व्हील और पिनियन को क्या कहा जाता है। तो क्राउन व्हील और पिनियन को जो कहा जाता है अंतरिम ड्राइव, यानी कि फाइनल ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, यानी संलग्न वेल्डिंग का निम्न में कौन सा उदाहरण है, फ्यूजन वेल्डिंग किसे कहते हैं, आर्क वेल्डिंग को, फोर्ज वेल्डिंग को, रेजिस्टेंस वेल्डिंग को, या थर्मिट वेल्डिंग को। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आर्क वेल्डिंग को हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 18 नंबर दिया है,
सर्विसिंग ट्रांसफर केसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड, यानी कि स्थानांतरण मामलों की सर्विसिंग में निम्न में क्या सही नहीं है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। इट मस्ट बी सपोर्टेड एंड ट्रांसमिशन जैक और सेफ्टी इंस्टेंस, यानी कि संचरण जैक या सुरक्षा स्टैंड पर इसे आधारित होना चाहिए। आल ट्रांसफर केसेस हैव बोथ चेन ड्राइव एंड प्लेंटरी गियर सेट, सभी स्थानांतरण मामलों में एक चेन ड्राइव और एक प्लेंटरी ड्राइव गियरों को समूह होता है। तीसरा ऑप्शन है विजुअल इंस्पेक्शन फॉर लीक्स एंड डैमेज आर नेसेसरी, रिसाव और क्षति का दृश्य निरीक्षण आवश्यक है। चौथा है फॉलो द मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन फॉर ड्राइव, यानी कि तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसाव और क्षति का दृश्य निरीक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, द ब्रेकिंग अप ऑफ लिक्विड इंटू फाइन ड्रॉपलेट बाई स्प्रेइंग इज कॉल्ड, यानी कि फुहार छिड़काव द्वारा द्रव का छोटी बूंदों को टूटना क्या कहलाता है, वाष्पन, वेपोराइजेशन, कार्बोराइजेशन, ऑटोमाइजेशन यानी कि कणन, या आयोनाइजेशन। तो जो छोटी छोटी बूंदे के रूप में छिड़काव होता है उसे हम ऑटोमाइजेशन यानी कि कणन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 20वां दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डायग्राम से क्वेश्चन बना दिया। फिर दिया है द टाइप ऑफ पिक्सल शोन इन द डायग्राम, इस आरेख में प्रदर्शित अक्ष का प्रकार है, तो अक्ष का प्रकार यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए सॉरी, दिया है कि यहाँ पे बियरिंग रिटेनर है, यहाँ व्हील बियरिंग है, ठीक है, एक्सल ट्यूब है, एक्सल शाफ्ट है और व्हील हिप है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा अर्ध फ्लोटिंग अक्ष, यानी कि हाफ फ्लोटिंग अक्ष फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइकिल विथ लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग के साथ साइकिल का क्या कार्य है, अलाउ पाइवेट ऑफ स्प्रिंग इन, स्प्रिंग को धुरा की अनुमति देना, अलाउ स्प्रिंग लेंथ टू चेंज यानी कि स्प्रिंग लंबाई को परिवर्तन की अनुमति देना, या कंट्रोल साइड वे यानी कि एक तरफ से नियंत्रण करना, या कंट्रोल रियर टॉर्क फर्स्ट बल आगुड़ को नियंत्रित करना। लीफ स्प्रिंग साथ सकल का कार्य जो है स्प्रिंग लंबाई को परिवर्तन की अनुमति देना है, यानी कि अलाउ स्प्रिंग लेंथ टू चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, व्हाट इज द कलर ऑफ टेल लैंप इन कार, यानी कि टेल लैंप का कलर बताना है कार में, कार में टेल लैंप का रंग क्या होता है, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो। तो करेक्ट आंसर जो होगा है जो टेल लैंप है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड इफ देयर इज एक्सेसिव वेयर इन किंग पिन बुश, निम्न से क्या प्रभावित होगा यदि किंग पिन बुश पर अत्यधिक घिसा होगा, टो इन होगा, टो आउट होगा, कैम्बर होगा, कैस्टर होगा, क्या होगा बताइए। तो देखिए जब भी आपका किंग पिन पर बुश अत्यधिक घिसाई होगा तो वो किस पे प्रभाव डालेगा, कैम्बर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, दिया है इन हॉट कीस ड्राइव रियर इंड ड्राइविंग टॉर्क इज टेकन अप बाई, यानी कि एक हॉट कीस ड्राइव पर सिरे में चालन आघूर्ण किसके द्वारा लिया गया है, रियर एक्सेलरेशन द्वारा, रियर लीफ स्प्रिंग द्वारा, शॉक एब्जॉर्बर द्वारा, या इंजन माउंटिंग द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रियर लीफ स्प्रिंग, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट लीफ स्प्रिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू प्रोवाइड, संचारक का उद्देश्य प्रदान करना है हाई टॉर्क एट द सेम टाइम, यानी कि प्रारंभ समय में उच्च बल आघूर्ण, लो टॉर्क यानी कि निम्न बल आघूर्ण, एवरेज टॉर्क औसत बल आघूर्ण, या हाई स्पीड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाई टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, यानी कि प्रारंभ के समय उच्च बल आघूर्ण संचारण का उद्देश्य प्रदान करना है। तो इस प्रकार हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप और दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और आप 25 क्वेश्चन के बाद अगले 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक हम वीडियो कल अपलोड कर देंगे, और फिर 50 से लेकर आपका 75 तक कल अपलोड कर देंगे। सीटीआई में टोटल 75 क्वेश्चन टेक्निकल से आते हैं और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से, सिलेबस ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं।
ओके, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।